पंत प्रधान ग्राम सड़क योजना में करोड़ों का गबन। प्लान बनाकर किया गया करोड़ों का भ्रष्टाचार। कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता की सबसे बड़ी साजिश। इस योजना में पूर्ण है कोल्हापुर, सतारा, नासिक, जलगांव, नंदुरबार समेत महाराष्ट्र के सभी जिले शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमकेएन का स्पेशल बुलेटिन ऑपरेशन भ्रष्टाचार। मैं प्रीति शर्मा आपके साथ। महाराष्ट्र के पंत प्रधान ग्राम सड़क योजना में करोड़ों का गबन मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो प्लान बनाकर किया गया करोड़ों का भ्रष्टाचार। कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता की सबसे बड़ी साजिश कही जा रही है। इस योजना में पुणे, कोल्हापुर, सतारा, नासिक, जलगांव, नंदुरबार समेत महाराष्ट्र के सभी जिले शामिल हैं। कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता और ठेकेदारों ने मिलकर साजिश के तहत घपला किया है और आज भी बड़े पैमाने पर बड़े धड़ल्ले से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर इस पूरे खेल का कौन है मास्टरमाइंड? सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये पूरा घोटाला 28 करोड़ 83 लाख का है और जांच होने पर 200 करोड़ का भी निकल सकता है। आज के समय में देखा जाए तो हर कोई अपनी कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देता आया है। क्यों? क्योंकि आम जनता को सुविधा चाहिए, अच्छी सड़कें, साफ सुथरा पानी और तमाम तरह की सुविधा चाहिए, लेकिन फिर नहीं मिलती और हम रोज टीवी या अखबारों इन्हीं समस्याओं के बारे में देखते हैं, भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ते हैं। खैर, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार, ये शब्द अब चुपचाप से हम सुन लेते हैं और टाल जाते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर बैठकर चाय पर चर्चा कर लेते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। आखिर क्यों पता नहीं या फिर इसके आदि हो चुके हैं इन्हीं शब्दों के? खैर, हर बार घोटाला पीडब्ल्यूडी विभाग से ही क्यों मिलता है? आखिर इस ट्रायंगल की आग लगाता कौन है? खैर, मामला महाराष्ट्र के पंत प्रधान ग्राम सड़क योजना का है। इस योजना के तहत पूरे महाराष्ट्र में प्लान करके भ्रष्टाचारियों ने मिलकर सबसे बड़े स्कैम को अंजाम दे दिया है। कुछ ऐसे मिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा रुपयों का गबन किया गया है। इस घोटाले में पुणे, कोल्हापुर, सतारा, नासिक, जलगांव, नंदुरबार जैसे जिले अहम भूमिका में शामिल हैं। सूत्रों ने बताया है कि इस पूरे गेम को प्लान करने में जिले के अभियंता, कार्यकारी अभियंता और ठेकेदारों ने साजिश करके करोड़ों रुपयों का घपला किया है। आमतौर पर विभागों में घपले घोटाले होते रहते हैं, लेकिन इस घोटाले ने सबको चौंकाने का काम किया है। आखिर कैसे हुआ 28 करोड़ 83 लाख का ये घोटाला? क्या ये घोटाला 28 करोड़ 83 लाख तक ही सीमित है या फिर कई 100 करोड़ों का रुपया है इस पूरे मामले में, जो विभागों के मुख्य कार्य अधिकारी और ठेकेदारों ने मिलकर सरकार को ठेंगा दिखाने का काम किया है या फिर कोई खादी पोशाक पहने मंत्री जी भी इसमें शामिल हैं? तो चलिए जानते हैं इस पूरे घोटाले का राज आखिर क्या है। महाराष्ट्र के पंत प्रधान ग्राम सड़क योजना में करोड़ों का गबन। प्लान बनाकर किया गया करोड़ों का भ्रष्टाचार। कार्यकारी अभियंता अधीक्षक अभियंता की सबसे बड़ी साजिश। इस योजना में पूर्ण है कोल्हापुर, सतारा, नासिक, जलगांव, नंदुरबार समेत महाराष्ट्र के सभी जिले शामिल। भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी विभागों में खपले घोटाले तो जैसे आम हो गए हों, इस बार मामला पंत प्रधान ग्राम सड़क योजना का है। इस पूरे योजना में जो घोटाले हुए हैं वो किसी छोटे भ्रष्टाचार का खेल नहीं है। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि इस पूरे खेल में कई बड़े अधिकारी ठेकेदार मिलकर इस साजिश को अंजाम देने में लगे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी अधिकारियों को डर क्यों नहीं है? क्या इनके ऊपर होने वाले विभागीय कार्यवाही का इनको कोई खौफ नहीं है या फिर सिस्टम में बैठे नेताजी के ये सब करीबी हैं? देश में हर वो इंसान चाहता है कि वो किसी रसूखदार या फिर किसी नेता मंत्री का खास हो, क्योंकि फायदा जो उठाना होता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पंत प्रधान सड़क योजना से जुड़े हुए अधिकारी ठेकेदार कहीं ना कहीं जनता के सेवक
खादी कपड़ों वाले मंत्री जी के करीबियों में से एक हैं। सूत्रों ने ये भी बताया है कि जिन्होंने इस पूरे योजना को भ्रष्टाचार करके कई करोड़ों का सरकार को चूना लगाया है, वे नेताजी के सिफारिश पर प्रमोशन लेकर यहां तक आए हैं। लेकिन साहब लोगों का ये करना कहां छुपा। सरकारी तिजोरी में तकरीबन 28 करोड़ 83 लाख रुपए से ही अधिक निकलकर अपना तिजोरी भरने का उन्होंने काम किया है। इस तरह का भ्रष्टाचार पालघर, पुणे, कोल्हापुर, धूले, नंदुरबार तक साजिश के तहत किया गया है। खैर, इतना कुछ होने के बाद भी आज मंत्री जी चुपचाप खामोश बैठे हैं, विभाग के अधिकारी चुप बैठे हैं। आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र के PWD विभाग में। अब देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महोदय और ठेकेदार जी मालामाल हो गए हैं, सीधे सीधे शासन की तिजोरी को खाली कर खुद कुबेर बन बैठे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकारी महकमा कैसे, किससे और कब वसूलेगा और साथ ही इस पूरे खेल को अंजाम देने वाले अधिकारियों, ठेकेदारों पर मुकदमा दायर कब होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। भ्रष्टाचार की तमाम अपडेट जानने के लिए आप लगातार देखते रहिए MKN News, क्योंकि हम है सच के साथ और सच की बात।